बार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है केएमसी हेल्थ सिटी एंड केएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। रोटियों पर थूक लगाना या फिर महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चोरी करना, इसे मानसिक रूप से विकृत अथवा दिवालियापन ही कहा जाएगा। मेरठ पुलिस ने आज महिलाओं के अंडरगारमेंट चोरी करने वाले एक अन्य युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। उसका एक दोस्त पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सदर पुलिस द्वारा आज यह गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार युवक का नाम अक्काश है। आशिक अली का यह पुत्र ड्रम वाली गली सोतीगंज सदर का निवासी है। इससे पूर्व पुलिस उसके दोस्त सोतीगंज निवासी फहीम अब्बासी के पुत्र रोमिन को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस की गिरफ्त में अक्काश ने यह जानकारी फर्स्ट बाइट को दी। अक्काश, क्या करते थे आप? अंडरगारमेंट्स क्यों ले जाते थे, क्या करते थे अंडरगारमेंट्स? कैसी मजाक करते थे? क्या मिलता था ऐसे फेंकने से, क्या हासिल होता था? भाई हासिल यदि नहीं होता था, पहले भी चुराए, दोबारा भी चुराए, तो कुछ तो वजह रही होगी, कुछ तो लाभ। बस ठगी मजाक करने के लिए उतार देते और एक दूसरे को पता करते थे। कभी डर नहीं लगा ऐसी चीज़ों का, देखेगा या मारेगा? लगा उसका, हमने उसके लाकर मजाक करी। क्या मजाक की थी, कैसे मजाक? एक दूसरे को पता करते। क्यों फेंकते थे, क्या मिलता था इससे फेंकने से? बैठ नमाज पढ़ने बैठे, सामने टंगे बैठे। इससे पहले कितने चोरी कर चुके? इससे पहले एक किया। एसीपी सूरज राय ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। इसमें एक अभियुक्त की जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था, उसकी गिरफ्तारी घटना के दिन ही कर ली गई थी। दूसरा अभियुक्त जो जिसका एक दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ है, उसकी भी आज गिरफ्तारी थाना सदर द्वारा कर ली गई है। सर, इनकी क्या मानसिकता है इन चीज़ को लेकर? ये पूछताछ में पता चला है कि ये मेंटली सिक टाइप के लोग हैं, जो ऐसा आदतन करते रहते हैं। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।